आज की इस परिचर्चा में, जो कि परिचर्चा ना होकर के चर्चा ज्यादा है, जिसमें हम विद्वत जनों के साथ संवाद करना चाहते हैं, उस दृष्टि से संस्कृत विभाग और SDHD रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अम्बाला छावनी के द्वारा ये एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है दृष्टि और एवं दिशा। दृष्टि और दिशा शब्द इसलिए रखे गए हैं ताकि जो विद्वत जन, लेखक, बुद्धिजीवी, रचनाकार, रचनाधर्मी, जो भी इस तरह का रचनात्मक कार्य करने वाले लोग होते हैं, अनुभव और महसूस करने वाले लोग होते हैं, जो चिंता करते हैं देश की, समाज की और मनुष्यता की, उन लोगों की दृष्टि क्या होती है और उस दृष्टि की दिशा क्या होती है, और वो या समाज को वो दिशा क्या देना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का नाम दृष्टि एवं दिशा दिया गया है। तो मूलतः ये विभिन्न विद्वत जनों के साथ एक संवाद करने की प्रक्रिया रहेगी, और उसी योजना के अंतर्गत आज हमने सबसे पहले जो चर्चा के लिए चुना है वो प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस, उनको हमने आमंत्रित किया है इस मंच पर। डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जो पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, कालिदास चेयर के और अध्यक्ष रहे हैं संस्कृत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में, और उनके विभिन्न प्रकार की उनकी रुचियां रही हैं, स्पोर्ट्स से लेकर के कविता तक, और विभिन्न प्रकार के भ्रमण और गहरी जो अनुभव और शास्त्र सम्मत जो उनका ज्ञान है, और साथ ही साथ जो उनका वर्तमान कालिक परिवर्तनशील समाज और उसमें जो आने वाली वृत्तियां हैं और जो कुछ परिवर्तन है उनके बारे में उनकी जो समझ है, उसको हम उनकी कविताओं, निबंधों और संस्मरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक दो बातें मैं उनके बारे में और आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये जो कार्यक्रम है इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की रहेगी। उनसे हमने निवेदन किया है कि वो अपनी कुछ एक कविताएं विभिन्न भागों में हमारे साथ साझी करेंगे, साथ ही साथ दो एक संक्षिप्त निबंध एक भाग में रहा करेंगे, और फिर बीच बीच में जो भी उनसे हम जानना चाहेंगे कविताओं के ऊपर टिप्पणियों के रूप में या कहीं कोई स्पष्टीकरण, वो भी हम पूछेंगे। और मेरा उनसे निवेदन भी रहेगा कि वो अपनी कविताओं को जब हमारे साथ साझा करें तो उसके ऊपर एक टिप्पणी जरूर अवश्य संक्षेप में करें, या कहीं बीच में कुछ स्पष्ट करने वाली कोई बात है, क्योंकि उनकी भाषा जो है वो शास्त्रीय ज्ञान और भाषा से प्रभावित देखने को मिलेगी। इसलिए ये शब्दावली जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, जिसमें भाव, विचार, भाषा, बोध, अनुभव, दृष्टि, शास्त्रीय आधार, संवेदना, रस, फिर उसमें परंपरा और आधुनिकता, मूल धाराओं की उसमें जो स्वीकृति है, साथ ही साथ युक्ति और तर्क भी आपको देखने को मिलेगा, और आलोचनात्मक चिंतन तो निश्चित रूप से उसमें अपनी ही तरह का आपको देखने को, सुनने को मिलेगा, जो आम हिंदी साहित्य में आजकल नहीं मिलता। जिस तरह की आज कविता और विचार करने की और भाषा का जो स्तर हिंदी में देखने को मिलता है वो कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, ये बात तो मैं खुद भी स्वीकार करता हूँ और ये मैंने देखा भी है, और मैं समझता हूँ हिंदी के लोग भी इस बात से बहुत हद तक सहमत होंगे कि आज हिंदी की भाषा का स्तर, उसमें विचार करने का स्तर और उसमें भाव का स्तर जो है वो कोई बहुत सुखद और उत्साहवर्धक नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रयास करेंगे कि डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी का जो काव्यात्मक दर्शन है उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके निबंधों के माध्यम से, उसको हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा उनसे ये
निवेदन है कि वो अपनी कविताएं हमारे साथ साझी करें, उस पे साथ ही साथ संक्षिप्त टिप्पणी भी अवश्य बीच बीच में साझा करें। मैं तुम्हारे इस आमंत्रण के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये आमंत्रण बड़ा बड़े अनौपचारिक रूप से इसको मैं लेना चाहता हूँ, जिसके अंदर वक्ता और श्रोता के बीच में एक सहज भाव रहे, सहज दृष्टि रहे, क्योंकि कविता की बात आमतौर पर वो शास्त्रीयता के माध्यम से कई बार असहज उठती है। कविता एक संवेदना की संरचना है और वो संवेदना की संरचना को जितनी सहजता प्राप्त हो उतने ही संभवतः वो उसको उसके साथ न्याय करना ज़्यादा सरल हो जाता है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं कुछ कविताएं बोलता हूँ और उन कविताओं के बारे में बीच में जहाँ कहीं आपको लगे तो उसमें आप प्रश्न भी कर सकते हैं कि इस कविता के इस सेंस में, कविताएं बहुत बड़ी नहीं हैं, एक तरह से लघु कविताएं ही हैं, लेकिन उनमें एक अपना तथ्य का जो स्वरूप है, तथ्य के स्वरूप को अगर आप सहजता से देखेंगे तो निश्चित रूप से मेरा ख्याल है कुछ उसमें आपको शायद साथ मिलेगा। तो मैं एक कविता पहले पढ़ रहा हूँ जी। ये कविता है मनौती, मनौती शीर्षक है इसका जी। उसमें कि जीवन में, सभी के जीवन में अक्सर ये कहीं ना कहीं उसमें संबंधों में वैषम्य आता है, कहीं ऊपर नीचे होता है, तो ऐसी उस स्थिति के ऊपर एक छोटा सा ये एक फ्लैश है, एक उसके ऊपर दृष्टि है। तो कविता यूं है, यह स्वयं को देखने का एक लघु क्षण बहुत मुश्किल से मिला है जी। यह स्वयं को देखने का एक लघु क्षण बहुत मुश्किल से मिला है। आओ अब बहकना बंद करें, दर्पण के पास चलें। आओ अब बहकना बंद करें, दर्पण के पास चलें। आवेगों में बहकर चेहरों पर दाग पड़े अश्रुओं के झरने से अब तक भी भूल न सके। आवेगों में बहकर चेहरों पर दाग पड़े अश्रुओं के झरने से अब तक भी भूल न सके। और फिर शब्दों के कंकर जो विस्मृति में धुल न सके, उनसे बच पाने को अपने अंतर मन की साक्षी के साथ चलें, अपने को देख सकें, अपनों के पास चलें। ये स्वयं को देखने का एक लक्षण बहुत मुश्किल से मिला है, मनौती कविता का। हाँ, ये वाकई ये कविता दार्शनिक कविता की तरह मुझे ज्यादा लगती है कि स्वयं को देखने की जो बात ये है, स्वयं को देखने का एक लक्षण बहुत मुश्किल से मिला है। मनुष्यता, मनुष्यों आम जीवन के अंदर यही होता है जी, कि स्वयं को देखने का लक्षण नहीं मनुष्य प्राप्त कर पाता है। वो दूसरों को ही देखता रहता है बाहर, और उससे उसमें कहीं मनुष्यों के बीच में जो आपस में संबंधों का जो गहनता है वो कहीं खंडित हो जाती है। जी जी, शायद यही आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि वो स्वयं को नहीं देखता, बाहर की ओर ही देखता है, और फिर वो देखने से अपेक्षाएं बनती हैं और फिर उनमें कई तरह की विकृतियां और खंडन हो जाती हैं।
खंडित ये हुई। कविता जी मैं पढ़ रहा हूँ, ये तट गीत है। तट गीत जो है वो समुद्र के किनारे पर, समुद्र के किनारे की भी कोई अपना अस्तित्व होता है कि नहीं, के ऊपर मुझे देखने में बहुत कम मिला है, लेकिन तटस्थ शब्द का प्रयोग मैंने बार बार पढ़ा है। तटस्थ होकर जीना, तटस्थ होकर, ये तटस्थता क्या है, इसके ऊपर एक ये छोटा सा एक तथ्य है, कथन है उसके ऊपर, कि ये तटस्थ होने की बात जो है प्रायः हम साहित्य में, भाषा में, प्रयोग में क्या हो सकता है, तो तटस्थ शब्द का समझते हुए मुझे ऐसे लगा कि तट क्या एक अपना गीत है। तट अपने मौन में भी कुछ कहता है, तो वो तटस्थ कैसे, तटस्थ आदमी जो है वो साइलेंस के माध्यम से भी क्या कुछ कहता है, उसकी क्या अभिव्यक्ति हो सकती है, तो जी वो कुछ इसमें लगता है, मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तट का कहना है, सागर मेरे पास खड़ा दहाड़ता ही रहा, सागर मेरे पास खड़ा दहाड़ता ही रहा कब से, किंतु मैं तो लहरों का नित्य देखता रहा। वाह, बहुत खूब। सागर मेरे पास खड़ा दहाड़ता ही रहा कब से, किंतु मैं तो लहरों का नित्य देखता रहा। उदय होती लहरियों का एक युग जब अस्त होता, मैं किनारे पर खड़ा बच्चे की तरह रोता। उदय होती लहरियों का एक युग जब अस्त होता, मैं किनारे पर खड़ा बच्चे की तरह रोता, क्योंकि मेरा दृश्य प्रतिक्षण पलट जाता, क्योंकि मेरा दृश्य प्रतिक्षण पलट जाता, किसी के जो साथ रहने की हृदय में लालसा होती, तो वह अस्तित्व अपना ही बचाने को कहीं कुछ और होता। प्रेम मेरा एक छलना मात्र बनकर रह गया जब, और जो कुछ भी बनाया दुर्ग धीरज का, वही सब ढह गया जब, मानसिक वह स्वप्न पूरा खुल गया तब, अब तो केवल सागर ही सागर सब देखता। वो उस जब ढह गया है उसका मानसिक वह स्वप्न पूरा खुल गया जब, तटस्थता कब आती है, बिल्कुल मानसिक वह स्वप्न पूरा खुल गया तब, अब तो जी। केवल सागर ही सागर सब देखता हूँ, मौन में जैसे समाहित हो गया हूँ। प्रश्न के पचड़े में अब कुछ पूछना मत, मैं निरुत्तर या अनुत्तर हो गया हूँ, बिना निद्रा जागने में सो गया हूँ, बिना निद्रा बिना के निद्रा जागने में सो गया। सो गया। ये तटगीच एक प्रश्न है। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि इस तरह की कविता को अगर हमने किसी कैटेगरी में डाल हो, रखना हो, तो किस तरह से उसको रखेंगे, क्योंकि ये जो हम शास्त्रीय विधि से काव्य की आलोचना पढ़ते हैं, रस भाव और इस तरह की तीन चार बातें, तो ये उस तरह का तो इसमें विचार और भाव नहीं है। उसमें एक बड़ी मुख्य बात यह है कि जी दृष्टा जो है तट के ऊपर पानी का प्रतिक्षण वे बह रहा है, पानी तो रुक नहीं पाया, लेकिन उस चलती हुई लहरियों का नित्य तट ही देख पाता है। जी ये नहीं, दृष्टुर दृष्टिर विपरिलोको, जी जी दृष्टा की दृष्टि का भी परिलोक नहीं होता है, दृश्य जो है बदलता है, लेकिन दर्शक जो, दृष्टा जो है वो कैसे उस सारे दृश्यों को, बदलते हुए दृश्यों को देखकर उनके साथ पहले अपने को आइडेंटिफाई करता है, और जी फिर अपने आप को उससे अलग होकर उनकी पीड़ा, उस क्षणिकता को देख करके
फिर उस क्षणिकता के मोह सब भंग होता है जब, तो वो भंग के बाद उसकी स्थिति, तो वो मैं निरुत्तर हो गया हूँ। अब मुझे प्रश्न के पचड़े में उठना मत, मैं निरुत्तर हो गया हूँ, मैं अनुत्तर हो गया हूँ, बिना निद्रा जागने में सो गया। ऐसी स्थिति जो है मन की, ऐसा लगता है कि जैसे ये काव्य दर्शन का एक अद्भुत या जो समन्वय है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कि जब तक दर्शन को ना अच्छे से समझा जाए और दूसरी तरफ संवेदनशीलता अगर उचित मात्रा में ना हो तो ये कविता को के भाव को और इसके अंदर धारा को पकड़ पाना शायद कठिन हो सकता है। लेकिन ये बीच में जो जिस तरह के भाषा का और जिस तरह के विचार एक को आपने प्रदान मैं किया वो और वाकई। कविता, एक छोटी सी जो एक लघु कविता है, और जी। मैंने तो सोचा था पास पास आकर हम, मैंने तो सोचा था पास पास आकर हम गीत नया गाएंगे, और गा चुके जो गीत उनमें भी नए स्वर भर नया कुछ बनाएंगे। जी मैंने तो सोचा था पास पास आकर हम गीत नया गाएंगे, और गा चुके जो गीत उनमें भी नए स्वर भर नया कुछ बनाएंगे। पानी बिन हो उपेक्षित सूख गए पौधे जो, उनमें कुछ नया सींच फूल फिर खिलाएंगे। पानी बिन हो उपेक्षित सूख गए पौधे जो, उनमें कुछ नया सींच फूल फिर खिलाएंगे। किंतु पास आकर हम अपने ही अहम को सींचने लगे थे, किंतु पास आकर हम अपने ही अहम को सींचने लगे थे हम, और वह जो चिरुपेक्षित था उपेक्षित रह गया। नया गीत गा न सके, नया कुछ उगा न सके, हाथ में जो था अपना वह सब भी बह गया। ये कविता बहुत कूल। जी अगला, फिर इसके साथ ही दूसरा है, मनुजता का शेष बीज बचा रहने दो। तो ये आधुनिकता के साथ भी एक परिप्रेक्ष्य है अपना, जी जी उस परिप्रेक्ष्य प्रति एक ऑब्जर्वेशन है। मनुजता का शेष बीज बचा रहने दो, प्रगति के पथिक रुको मुझे डरा कहने दो। प्रगति प्रकृति के पथिक। के पथिक, प्रगति के पथिक रुको हाँ जी हाँ जी मुझे डरा कहने दो। मनुष्यता का शेष बीज बचा रहने दो, प्रगति के पथिक रुको मुझे डरा कहने दो। मंगल पर जाकर क्या मरघट बनाओगे, मंगल पर जाकर क्या मरघट बनाओगे, क्योंकि वह शवगंध तुमको बहुत प्रिय है। दूसरों का छीन कर स्वातंत्र अपनी वासना की पूर्ति प्रिय है। पृथ्वी ने बहुत सहा, नहीं नहीं बहुत कहा, ये उसके ऊपर एक कटाक्ष है। हाँ जी हाँ जी पृथ्वी ने बहुत सहा, आज हम प्लांटेशन करने के लिए निकल रहे हैं, जहां जा रहे हैं, लेकिन पहले ध्वंस करने में, तो इसलिए वो अपील उसे आह्वान है। पृथ्वी ने बहुत सहा, नहीं नहीं बहुत कहा, तुम माने कब, असुरों का यही रहा। असुर वही है जो बलात्कारी होता है, तो प्रकृति का जितना बलात्कार जितना दोहन कर सकते थे क्या। पृथ्वी जी जी ने बहुत सहा, नहीं नहीं बहुत कहा, किंतु तुम माने कब, असुरों का यही रहा। कोरोना के आगे अब अहंकार ढहने दो, मनुष्यता का शेष बीज बचा रहने दो। वाह बहुत खूब, ये बहुत बढ़िया।
एक कविता और। कविता ये कविता एक अपना ही अंतर्दर्शन है। उसने कहा आगे बढ़ो, जी उसने कहा आगे बढ़ो, अपनी इस पुस्तक की आत्मकथा आगे पढ़ो। बहुत खूब उसने कहा आगे बढ़ो, जी अपनी इस पुस्तक की आत्मकथा आगे पढ़ो। मैंने कहा ठहरो तो, मेरी यह आत्मकथा इतने उन चेहरों की लंबी है श्रृंखला सी। मेरी यह आत्मकथा कितने उन चेहरों की लंबी है श्रृंखला सी अनुक्रमणी, लंबी श्रृंखला सी अनुक्रमणी, जिसका पृष्ठांक कोई मिलते ही पूरे का पूरा अध्याय निकल आता है। मेरी यह आत्मकथा कितने उन चेहरों की लंबी है श्रृंखला सी अनुक्रमणी, जिसका पृष्ठांक कोई मिलते ही पूरे का पूरा अध्याय निकल आता है। इसका पाठ करते ही भोग उस अतीत का वर्तमान बन जाता है। अतीत को भी वर्तमान में जैसे चला जाए, वर्तमान बन जाता है अतीत, इतना वो यथार्थ दिखाई देने लगता है, वर्तमान बन जाता है। जिसका पाठ करते ही भोग उस अतीत का वर्तमान बन जाता है। परिचित प्रति चेहरा ही स्मृतियों में व्यंजित हो, मेरी ही कथा को छल से बताता है, छल से बताता है। जी आगे क्या कथा कहूं, कैसी अब कथा कहूं। बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें हाँ जी कविता का और पाठ कर रहा हूं। जी आदमी तो सदा से ही स्वयं जन्म लेता है। आदमी और को हाँ जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। आदमी तो सदा से ही स्वयं जन्म लेता है। धर्मांध विज्ञानांध दोनों यंत्र मानव जन्मते हैं। धर्मांध धर्मांध विज्ञानांध नांध दोनों आदमी तो सदा से ही स्वयं जन्म लेता है। मनुष्य के प्रति आस्था इस कविता का है मूल। धर्मांध विज्ञानांध दोनों यंत्र मानव जन्मते हैं, रोबोट्स पैदा करते हैं। जी धर्मांध विज्ञानांध दोनों यंत्र मानव जन्मते हैं। हृदयहीन खूंटे से बंधे बधे प्राण सकल रुंधे रुंधे, सृष्टि के सृजन को आतंकित करने में सदा ली। यंत्र मानव जन्मते हैं हृदयहीन, खिलते हुए फूलों को देख नहीं पाते जो, हृदय का आलोक स्वर्णिम लूटने को आते जो, जी खिलते हुए फूलों को देख नहीं पाते जो, उदय का आलोक स्वर्णिम लूटने को आते जो, उन्हें कैसे तुम बताओगे कि वह संवेदना कहाँ किसके हृदय में है। जी संवेदना किसके हृदय में है हाँ, वो ये। संवेदना किसके हृदय में है, कहाँ किस हृदय में है। परम सत भी जिसके लिए, वो संवेदना क्या है। परम सत भी जिसके लिए हृदय खोल देता है, जी वह आदमी तो हृदय से ही सदा जन्म लेता है।
आदमी तो सदा से ही स्वयं जन्म लेता है, धर्मांध विज्ञानांध दोनों यंत्र मानव जन्मते हैं। जी बहुत खूब, वाकई समाज की यथार्थ स्थिति तो यही है आज की। और ये स्वयं जन्म लेने का जो है कि आदमी अपने भीतर से स्वयं जन्म लेता है, ये स्वयं जन्म लेना जो है ये उसका एक अंतर जागरण, उसका जो चेतना का जागरण है। जब तक उसका वो चैतन्य जागृत नहीं होता तो वो बिल्कुल किसी ना, वो जन्म नहीं होता है फिर उसका। जी 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 वो एक औपचारिक, वो यंत्र मानव जन्मते हैं। जी जी हाँ, धर्मांध विज्ञानांध दोनों यंत्र मानव जन्मते हैं, हृदयहीन ऊंटे से बंधे बंधे, प्राण सकल रुंधे रुंधे, सृष्टि के सृजन को आतंकित करने में सदा लीन। जी सृजन को आतंकित करने में रोबोट्स, ये धर्म के रोबोट्स भी हैं और विज्ञान के रोबोट्स भी हैं, चारों तरफ फैले हुए। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जड़ता तो दोनों तरफ या पराकाष्ठा पे ही है, इसलिए खिलते हुए फूलों को देख नहीं पाते जो, उदय का आलोक स्वर्णिम लूटने को आते जो, उन्हें कैसे तुम बताओगे कि वह संवेदना, वह संवेदना कहाँ किसके हृदय में है। परमी परम सत्व भी जिसके लिए हृदय खोल देता है, संवेदना जो है उसमें ही परम सत्व जो है वो अपने आप को प्रकट करता है। जी आदमी तो सदा से ही स्वयं जन्म लेता है, ये उसका जो स्वयं का जन्म है ये उसकी अपने भीतर का दर्शन है उसका। ये बिल्कुल एक अलग बात है जो सामान्य रूप से साहित्य में नहीं दिखाई देती। सामान्य रूप से तो बस पीड़ाओं का और पीड़ाओं से विकृत जो भाव हैं वो ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग दृष्टि है मनुष्यता को लेकर के। वाकई बहुत बढ़िया कविता है ये, और बहुत अलग है, बहुत अर्थों में अलग है, भाव के स्तर पे भी और दर्शन के स्तर पे भी। तो हाँ मैं अब ये चाहूँगा कि इसके बाद कोई दो जो संक्षिप्त निबंध हैं वो भी आप हमारे साथ साझा करें, ताकि कविताओं के साथ साथ विचार को भी हम पकड़ पाएं। और निबंध पढ़ते हुए, अगर निबंध से पूर्व उसकी एक पृष्ठभूमि सरल सी और संक्षिप्त सी, अगर आप उसको भी स्पष्ट कर पाएं कि वो विचार आपके पास कहाँ से आया, तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसका अगले कार्यक्रम में फिर मेरा ख्याल है रख सकते हैं। ये अभी निबंधों का जी, तो निबंधों का चयन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे निबंध हैं जिनको पढ़कर उन पर फिर विचार एक यार ये अच्छा रह सकता है। चलिए चलते चलते फिर एक कविता और हो जाए, फिर इसको हम आज की बात यहीं पे पूर्ण करते हैं। एक कविता और लघु आदमी, ये कविता शीर्षक क्या है? शीर्षक इसका आप सोचिएगा, लेकिन कविता पढ़ रहा हूं जी। आदमी मरता है उनके लिए जो उसका हृदय पहचानते हैं,
आदमी मरता है उनके लिए जो उसका हृदय पहचानते हैं, आसपास वालों के लिए मात्र दुर्घटना होती है। वाह क्या बात। आदमी मरता है उनके लिए जो उसका हृदय पहचानते हैं, आसपास वालों के लिए मात्र दुर्घटना होती है और दुनिया रोती है, क्योंकि वह कर्तव्य है ऐसा कि जिसके बाद समझ आती है आगे बढ़ चलने का गीत वह सुनाती है। वो रोना जो है वो अग्रसर करता है कि रोने रो और रोने के बाद चलो आगे। आसपास वालों के लिए मात्र दुर्घटना होती है और वह जब भी होती है दुनिया सब्र होती है, क्योंकि वह कर्तव्य है ऐसा कि जिसके बाद समझ आता है जी समझ आती है आगे बढ़ चलने का गीत वह सुनाती है, किंतु हृदय रुक जाता है। किंतु हृदय रुक जाता क्षण के उस पार लोगों के लिए वह जो मर चुका है पास आता और अधिक जीने लग जाता है पल पल में बार बार। वो जिसको लोग मरा हुआ समझते हैं वो आपके अधिक पास आने लगता है। जी जी वो अधिक पास आने लगता है। निश्चित रूप से हृदय को जो समझता है वो वही वास्तव में वही समझता है। समस्त जो हमारा संबंध हमारा जितना भी संवेदना है उसका स्रोत सर्वत्र हृदय ही रहा है, क्योंकि हृदय में कुछ उसमें हृदय के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है। जी वहाँ हृदय के अंदर अतीत अनागत और वर्तमान इस हृदय को ही प्राचीन हमारे साहित्यकार लोग प्रतिभा कहते थे। उस प्रतिभा के अंदर अतीत अनागत और वर्तमान एक साथ रहते हैं, तीनों एक ही रूप में रहते हैं। किंतु हृदय रुक जाता क्षण के उस पार, क्योंकि वो क्षण जो है वो पूरा एक युग है। जी जी क्षण जो है पूरा एक युग है और उस युग के अंदर लोग मरते नहीं है। हृदय रुक जाता क्षण के उस पार लोगों के लिए वह जो मर चुका है पास आता और अधिक जीने लग जाता है पल पल में बार बार। यही हमारे साहित्य और जो अच्छे व्यास कालिदास आदि जो हमारे बहुत कवि लोग रहे हैं महाकवि रहे हैं आज भी उनको हम उस ढंग से नहीं मरा हुआ हम नहीं समझते हैं। जो लोग समझते हैं उन्हें मरा हुआ हम लोग मम्मट की भाषा में वैसे ही कहते हैं जयंती ते सुकृति न महाकवीश्वर सिद्धा कवीश्वर नास्ति जेषाम यशक काये जरा मरण जम भयम। जी जी इनके यशस शरीर के अंदर कहीं मरण का बुढ़ापे का भय नहीं होता। जयंती ते सुकृति न रस सिद्धा कवीश्वर नास्ति जेषाम यशक काये जरा मरण जम भयम। इसके आज के जी इतना जी पर्याप्त है। आपकी कविताओं की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी व्यापक है, तो आज की इन कविताओं के साथ आज का ये कार्यक्रम दृष्टि एवं दिशा संस्कृत विभाग और एसटीएसटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अम्बाला छावनी के द्वारा जो आयोजित है, इसमें हम समय समय पर विद्वत जनों से संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी उनकी द्वारा जो रची गई रचनाएं हैं उनकी जो कृतियां हैं उनकी जो दृष्टि है जो समझ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे अलग अलग अवसरों पर। लेकिन अभी हम अगले कुछ दिनों तक निरंतर
प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी की कविताएं, निबंध और उनके संस्मरणों पर और अधिक चर्चा करेंगे अगले निरंतर आने वाले कुछ दिनों तक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हमें कुछ निबंध भी सुनने को मिलेंगे और कुछ संस्मरणों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि उन्होंने दो तरह का समय देखा है। एक वो जो आज़ादी से पहले का, स्वतंत्रता से पहले का भारत है, और उस वक्त जो जिस तरह से जीवन पद्धति थी, जीवन की जो शैली थी, उसमें किस तरह के लोगों का व्यवहार और किस तरह के लोगों के सोच विचार और आचार था। और उसके बाद जो ये परिवर्तन आने शुरू हुए स्वतंत्रता के बाद के, और आज 2021 तक वो कितना कुछ बदल गया, उन सारे संस्मरणों में जिसमें लोग भी शामिल रहेंगे, लोगों के व्यवहार भी, लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं भी, और भी बहुत कुछ ऐसी बातें, वो हम धीरे धीरे अगले कुछ एक दिनों में लेंगे। और इसी के साथ आज के लिए मैं डॉक्टर रमाकांत आंगिरसी का सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला छावनी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपनी कई महत्वपूर्ण कविताएं आज हमारे साथ साझी की हैं, जिनका फलक बहुत व्यापक है, जिसमें सूक्ष्मता भी है और व्यापकता दोनों एक साथ है, और गंभीर्य भी उतना ही है। तो उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और कल फिर हम दोबारा इन्हीं कविताओं पर, इन्हीं निबंधों पर हम पुनः मिलेंगे और बातचीत को और अग्रसर करेंगे। इन्हीं के साथ आपका धन्यवाद। आज की बात हम यहीं पूर्ण करते हैं।